हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो पता है क्या है? बंदर के ऊपर है, मंकी के ऊपर। टाइटल पढ़ू? अच्छा चलो पढ़ती हूँ। तो टाइटल है मंकी सीज अ मैजिक ट्रिक। तो चलो देखते हैं। पहले तो मुझे इसका ही गर्नेस है कि कौन सा मैजिक ट्रिक दिखा रहे हैं, मुझे भी देखना है। और दूसरा, मंकी सीज का में क्या बड़ी बात है जो वो बता रहे कि मंकी सीज अ मैजिक ट्रिक। तो अगर आप किसी के सामने करोगे तो वो तो देखेगा ही ना, राइट? पर देखते हैं ये वीडियो क्या खास है। मंकी की क्यूरियोसिटी दिखा रहे होंगे कि मंकी भी क्यूरियस है कि हुआ कैसे। अरे वाह, फिर तो बड़ी अमेजिंग बात हो जाएगी अगर है। बाकी यही है कि मंकी को लगे कि हुआ कैसे, नहीं तो किसी एनिमल को क्या पता समझ आती है कि ये मैजिक है या जादू है, ये कैसे हो रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले यस, अगर आप चैनल पर पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लीची लग रही है, बड़े ध्यान से देख रहा है। क्या हुआ, गायब है? Crazy guy. तो friends, कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही amazing लगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस टाइप का वीडियो होगा, पर हस्बैंड का जो आइडिया था कि भाई उसका रिएक्शन जो है मंकी का, उस वो अमेजिंग होने वाला है, तो वो तो ठीक था। पर ऐसा रिएक्शन होगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मंकी जो था इतना क्यूट था, शुरुआत से मैं उसको ही देख रही हूँ, कितना क्यूट। और जिस तरह से वो देख रहा है, जैसे कोई छोटा सा बच्चा बहुत क्यूरियस हो तो देखता है ना कोई चीज, तो मुझे तो लग रहा है उसको पहले से ही लग रहा था यार कुछ अमेजिंग चीज होने वाली है। और शीशे के पास तो मेरे को लग रहा है कि जू में है, और जू के अंदर शायद ये कोई आए हुए हैं, जो जैसे हम लोग जू में घूमने जाते हैं, और ऐसे लग रहा है वो वहां बैठे हैं और मंकी को वो दिखा रहे ट्रिक, और मंकी बैठ के देख भी रहा है और वहां पे उनकी वाइफ जो है वो वीडियो ले रही है। तो ऐसा नहीं है शायद जैसे एक दूसरे को जानते हो, मुझे तो यही लगा जैसे शीशा बीच में था। क्योंकि आप भी अगर जाते हो, जैसे हम लोग जाते हैं जू में, तो ऐसे शीशा ही लगा होता है शेरों के साथ और ऐसे मंकीज के साथ। तो वो ऐसे लग रहा है वो वहां बैठे, मंकी खास आया देखने के लिए कि भैया क्या है ग्लास में। और अमेजिंग ये है कि उस मंकी को समझ में आया कि पहले उन्होंने ग्लास के अंदर वो लीची सी लग रही थी, लीची डाली है, बंद किया उस ग्लास को नीचे ऐसे करके, फिर जब लाए हैं और खोला है तब तक वो ध्यान से देख रहा है। और उसके बाद जब उन्होंने टिल्ट करके दिखाया और वो गायब थी लीची, मैं तो अमेज थी कि वो मंकी को समझ में आ गया कि वो रे इस ग्लास के अंदर लीची डाली थी और वो गायब है। और वो भी उसकी शक्ल देखी थी, कितनी क्यूट शक्ल थी पूरी जैसे। और उसके बाद इतना खुश हो के कि ये क्या हुआ है, वो तो लेट ही गया, मतलब कितनी देर तक लेट आ रहा कि अरे ये क्या मैंने देख लिया। और उसके बाद वापस आके फिर से ध्यान से उसने देखने की कोशिश की कि अब आगे क्या होगा। और जो थे मेरे ख्याल से हस्बैंड वाइफ, वो भी बहुत अमेज थे, मतलब उनकी जो स्माइल और हंसी थी उनको भी लग रहा था अरे ये कमाल हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, और इससे मैं तो देख के हैरान हो रही हूँ। इससे यही दिखता है कि मंकीज की जो है ब्रेन बहुत ही शार्प है, मतलब वेरी प्रिटी क्लोज टू व्हाट अ ह्यूमन ब्रेन इज। तो अगर ये और इवॉल्व हो जाए तो ये भी, मतलब वैसे तो कहते ही हैं ह्यूमंस तो आई एप से हैं, तो वैसे मगर कमाल का वीडियो था। मैं तो हैरान हो गई कि ये चीज उसको समझ में आ गई, और रिएक्शन कितना वैसा था ह्यूमन जैसा रिएक्शन। अगर आप किसी छोटे बच्चे को दिखाओ तो वो भी ऐसे करता है, ऐसे करेगा ना, वैसा ही रिएक्शन था, वो भी एक जू में था, मतलब मंकी अमेजिंग। काफी अच्छा वीडियो था, और इससे मुझे याद आया कि काफी लोग कहते हैं कि ह्यूमन बींग जो है मंकी से आए थे, बट एक्चुअली है ह्यूमन बींग्स एप से आए थे। मंकी को एप बनने में बहुत समय लगा होगा, तो मंकी तो पूरा मंकी है, एनिमल है, बट परंतु ह्यूमन बींग जो थे इवेंचुअली एप्स से आए थे। और एप्स और मंकीज में बहुत बहुत डिफरेंस है एवोल्यूशन में। तो वैसे आप कोई बोल सकते हैं हाँ वे मंकी से आए थे, बट एक्चुअल मेरे ख्याल से टर्मिनोलॉजी है कि एप से आए थे,
एप इवॉल्व होके ह्यूमन बीइंग बना था, मंकी नहीं। और क्योंकि मंकी अभी भी मंकी है, क्योंकि अगर मंकी से इवॉल्व हुआ था तो आप ये कहेंगे अच्छा फिर जो अभी मंकी नजर आ रहे हैं वो पूरे खत्म हो जाएंगे इवेंचुअली, वो भी कभी ह्यूमन बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। मंकी मंकी है, एप इवॉल्व हुआ था। और काफ़ी ये अमेजिंग बात है कि मंकी भी जो है वो भी समझ गया कि ये क्या घपला चल रहा है और लीची कहाँ जो भी थी वो कहाँ गायब हो गई है और वो कैसे हंसा जबरदस्त। अमेजिंग था, इट इज अमेजिंग, रिएक्शन बड़ा अमेजिंग था। वही इसे अमेजिंग टू सी है कि मतलब मंकीज में ब्रेन ज्यादा, इसलिए कहते हैं एप्स में ज्यादा ब्रेन है। उसी थीम को लेके मेरे ख्याल से बड़ी सारी मूवीज आई थी, वो कौन सी एप प्लैनेट ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, कितने सारे पार्ट्स आए हैं, कितने सारे, बहुत पहले भी प्लैनेट ऑफ द एप्स बनी थी फिर दोबारा बनी थी। और वो एक अच्छी मूवी इसलिए है क्योंकि पुरानी जो मूवी थी उसमें ये दिखाते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स पूरे खत्म हो चुके हैं, मतलब ह्यूमन एक ह्यूमन सिविलाइजेशन थी, कुछ अर्थ को एक लॉस एंजलिस में अर्थ को एक आया, सब ह्यूमंस मर गए और जो एप्स थे अब वो इवॉल्व हो गए हैं एज ह्यूमन बीइंग, मतलब वो एप की तरह ही हैं बट वो बहुत ही उनके घोड़े पे बैठे हुए हैं, एडवांस हो चुके हैं। और वो और कुछ कुछ एप्स को पता है कि वहाँ पे जो है चीज़ें गिरी हुई हैं, कुछ एप्स न्यूयॉर्क में हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी नज़र आ रहा है तो लॉस एंजलिस नहीं होगा न्यूयॉर्क होगा, तो मतलब जो भी उन कुछ एप्स को पता चल गया कि हमसे पहले कोई रहता था। और फिर उनको ह्यूमंस मिलते हैं और फिर वो ह्यूमंस को ट्रीट करते हैं लाइक एप्स, राइट right? तो वही एवोल्यूशन दिखा रहे, तो हिस्ट्री में मतलब अच्छा तरीका था दिखाने का कि जो भी इवॉल्व हो गया वो अपने आप को सोचता है कि मैं ग्रेट हूँ और दूसरा बंदा जो है वो किस तरीके से प्रिमिटिव है और फिर ट्रीट करते हैं इवेंचुअली, मतलब बहुत कुछ होता है। नहीं उसके बाद मैं मुझे तो वो वाला मूवी याद है, इनको नई वाली पता है, नहीं नई वाली थी कि वो पुरानी थी जिसमें वो दिखाते हैं कि एप को वो अपने घर में रखता है और ट्रेन कर रहा होता है, न्यू वाली है। तो न्यू वाली में, हाँ तो न्यू वाली में ये कॉन्सेप्ट होता है कि वो एक भाई साहब जो होते हैं रिसर्चर होते हैं, कह लीजिए साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, और उनके फादर को मेरे ख्याल से अल्जाइमर हो रही है या वो भूल रहे हैं अल्जाइमर से, तो वो एक ड्रग निकालते हैं जो हेल्प करेंगी आपको रिमेम्बर करने के लिए। उसके लिए वो टेस्ट करना चाहते हैं और तो टेस्ट करते हैं एक छोटे बेबी एप पे, जो बेबी एप पे टेस्ट करते हैं तो पता चलता है उससे बेबी एप का ब्रेन तेजी से चल रहा है और इतना उसका ब्रेन इवॉल्व हो जाता है कंपेयर टू अदर एप्स कि वो उनका लीडर बन जाता है। और इन द मीन टाइम वो जो ड्रग होती है वो अपने फादर को देता है तो उसमें उसके फादर इंप्रूव होते हैं मगर फिर वापस चले जाते हैं, तो वो सस्टेन नहीं कर पाती ड्रग, तो वो क्लोज था मतलब उसको देता है फादर को सब याद आने लग जाता है, फिर उसके थोड़े बाद चले जाते हैं, फिर और ड्रग से काम नहीं होता। इन द मीन टाइम वो जो एप था जिसको उन्हें ड्रग दी थी वो क्वेश्चन करने लगता है कि हाउ डेयर यू, मतलब हमें एनिमल की तरह ट्रीट क्यों करते हो। फिर वो अपनी टोली बनाता है और उनको मतलब एजुकेट करता है कि तुम खड़े हो अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग्स के अगेंस्ट, और फिर दिखाते हैं फाइट हो गई है ह्यूमंस वर्सेस एप्स की, तो और एप्स जीत जाते हैं। फिर मेरे ख्याल से लास्ट जो पार्ट था उसमें एप्स जीत जाते हैं, नहीं पूरे नहीं, वो जंगल में चले जाते हैं, कुछ अलग से जंगल में रहने लग जाते हैं, पूरे नहीं जीतते मगर दिखाते हैं कि उन्होंने अपनी टेरिटरी बना ली जंगलों में, कि ह्यूमन बीइंग सिटी में रह रहे हैं और टेरिटरी बन गई एप्स की जंगलों में, उन्होंने बहुत एडवांस बना लिया एडवांस, और फिर वो अब वहां इवॉल्व होंगे ह्यूमन बीइंग्स, यहाँ इवॉल्व होंगे, फिर उन्होंने कट कर दी अगली बार के लिए, वो अगली बार अभी आई नहीं है। तो इससे याद आता है कि डेफिनेटली एप्स जो है मंकीज जो है इवेंचुअली उनमें ज्यादा ब्रेन हो रहे हैं, बहुत ही मजे। और जैसे भी कहते हैं कि मंकी कॉपी करते हैं आप जो भी करते हैं, जैसे हमने सुना था टोपी फेंकता तो सारे मंकी टोपी फेंकते हैं, तो वेरी नाइस वीडियो। यस फ्रेंड्स, मजा आ गया देख के, छोटा सा था बट बड़ा क्यूट था, मेरे तो आंखों के सामने अभी तक वो मंकी का एक्सप्रेशन है जैसे उसने किया था, फिर लेट गया जैसे था, बड़ा मजेदार था और सारे घास फूस से भी भरा हुआ था, बड़ा क्यूट लग रहा था। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।